told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Hello everyone, आज मैं आपके साथ एक न्यूली रिलीज चाइनीज फैंटेसी ड्रामा द ब्लू विस्पर शेयर करूंगी। ये स्टोरी एक मरमैन की है जो एक हेमली फेरी की जान बचाता है, तो फेरी उसकी पावर्स देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उसे टेम कर अपना गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए वो उसे कैद करके साथ ले आती है। ड्रामे के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि नाइन हेवन के ऊपर एक इमॉर्टल रीम है। इमॉर्टल रीम में दो तरह के क्लैंस रहते हैं, एक हेमली इमॉर्टल और दूसरे अर्थली इमॉर्टल्स। हेमली इमॉर्टल्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, जबकि अर्थली इमॉर्टल्स हमेशा रूल्स को वायलेट करते हैं। तो हेमली किंग कुछ स्पिरिट्स को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें धरती पर भेजते हैं ताकि वह अर्थ इमॉर्टल्स को बुराई से रोक सके। मगर हेमली इमॉर्टल्स को अर्थ पर भेजने से पहले ये बात बताई जाती है कि अर्थ इमॉर्टल्स और हेमली इमॉर्टल्स में लव फॉरबिडन है, और अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर किसी अर्थ इमॉर्टल से प्यार करने की मिस्टेक करे तो उसकी पनिश बहुत सीवियर होगी। मगर जीयून ही जो बहुत खूबसूरत है और एक स्पिरिचुअल मास्टर है, वो इन सब बातों को नहीं मानती और ना वो फेट पर बिलीव करती है। यूनी ने अपने स्पिरिचुअल पावर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है और वो समझती है कि नेचर का कोई लॉ उसे कैद नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनी आइस पर खुशी से भाग रही होती है और बहुत इंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ चैंग ही आता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पर काट देता है, जिस पर यूनही बहुत उदास होती है और वह याद करती है कि पास में यही चैंगी था जो उसे कहा करता था कि यूनही विंड की तरह आजाद है और उसे कोई कैद नहीं कर सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लावर वैली को देखते हैं, जहां बहुत से फूल खिले हैं और लोग खुशी और आजादी से वहां घूम फिर रहे हैं। तभी वहां एक इवल बीस्ट ऊप में आती है और फ्लावर वैली में एक फूल खिलता देखती है और उसे तोड़ने लगती है। तभी वहां जी यूनही लैंड करती है और उसके हाथ से वो फ्लावर ले लेती है और वो फ्लावर एक बेबी बर्ड बन जाता है और वो इवल बीस्ट एक खूबसूरत वुमन बन जाती है। ये बीस्ट फ्लावर वैली की बहुत पुरानी और पावरफुल दुश्मन है और इसे आज तक कोई स्पिरिचुअल मास्टर ना मॉरलाइज कर सका है और ना कोई इसे अपने वश में कर सका, और वो बहुत प्राउड फील करती है कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो यूनही से लड़ने लगती है, मगर यूनही उसे न्यूली हैच्ड बर्ड दिखाती है जिस पर उप में रुक जाती है और उससे फाइट नहीं करती। उपमे का क्योंकि बेबी कुछ सालों पहले आग में जलकर मर गया था, इसलिए अब वो दूसरे बर्ड्स के बेबी चोरी करती है। मगर यूनही जो हार्ट को ट्रेन करने में एक्सपर्ट है, वो उपमे को अपनी बातों से अपने वश में कर लेती है और उस बेबी बर्ड को उसके रियल पेरेंट्स के पास भेज देती है। तो उपमे अपनी स्पिरिट कोर उसे दे देती है, जिसका मतलब ये था कि वो अब अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगी, बल्कि जैसे हेवली फेरी चाहेंगी वैसे ही वो करेगी। तभी मास्टर एनवी को देखते हैं जो हेमली फेरी का राइट हैंड है, और वो यूनही से कहता है कि वो बेबी बर्ड मुझे दे दे, मगर यूनही वो बेबी बर्ड उसे नहीं देती और मास्टर एनवी रिश्वत के तौर पर उसे एक जादुई बॉक्स देता है, मगर यूनही वो एक्सेप्ट नहीं करती और वो बॉक्स मास्टर एनवी के मुंह पर दे मारती है, जिस पर मास्टर एनवी बहुत गुस्सा होता है। मगर यूनही का अटेंडेंट उसे रिमाइंड करवाता है कि उसने एनवी की इंसल्ट की है, जिस पर फेरी उस पर बहुत गुस्सा होगी। मगर यूनही उस बेबी बर्ड को उसके पेरेंट्स के पास भेज देती है। नेक्स्ट सीन में मास्टर चैंग लैंग को देखते हैं जो फ्लावर वैली का इंचार्ज है और उसका एक बेटा है जिसका नाम हॉकिंग है और इसे यंग मास्टर भी कहते हैं। मास्टर चैंग लैंग चाहते हैं कि उनके बाद उनका बेटा हॉकिंग फ्लावर वैली का इंचार्ज बने, इसलिए वो हॉकिंग को अपनी इच्छा के मुताबिक ट्रेन करना चाहते हैं, मगर हॉकिंग हमेशा उन्हें डिसअपॉइंट करता है और यूनही से हार जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब एल्डर्स हॉल में आते हैं और हॉकिंग मास्टर चैंगलिंग को एक बीस्ट की स्पिरिट दिखाता है जिसे उसने मारकर वश में किया था। तो एल्डर्स कहते हैं कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है, इसलिए हॉकिंग को फ्लावर वैली का गार्डियन बन जाना चाहिए। मगर कुछ एल्डर्स जो यूनही के फेवर में होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें यूनही का भी वेट करना चाहिए। तभी यूनही वहाँ आती है और बीस्ट उपमे की स्पिरिट उन्हें दिखाती है, जिस पर वो सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन सबको पता था कि आज तक उपमे को ना कोई ट्रेन कर सका है और ना कोई इस तरह से अपने वश में कर पाया है, और आज का कंपटीशन भी यूनही जीत जाती है और वो फ्लावर वैली की गार्डियन बन जाती है, जिस पर मास्टर चैंगलिंग को बहुत गुस्सा होता है। मास्टर चैंगलिंग सबके सामने खुश होने की एक्टिंग करते हैं, मगर जब वो वापिस अपने रूम में जाते हैं तो यूनही को बुलाते हैं और उसे फ्रॉस्ट से पनिश करते हैं, और जब वो बहुत दर्द सह लेती है तो उसे एंटीडोट देते हैं और फिर उसे गार्डियन बनने की गिफ्ट देते हैं।
यूनही जब बाहर आती है तो यूनही की फ्रेंड लोजिन जो एक बटरफ्लाई है उसे संभालती है और यूनही अपने गिफ्ट उसे दिखाती है जो एक ड्रेस और कुछ स्पिरिचुअल स्टोन थे और वो दोनों प्लान करती है कि इन स्पिरिचुअल स्टोन से वो अपने लिए एक आइलैंड खरीदेंगी। फिर हम एक मंथ बाद का सीन देखते हैं, यूनही फ्लावर वैली की गार्डियन बन चुकी होती है और वो अपने कक्ष में आराम कर रही होती है। तभी मास्टर एनवी आते हैं और उसे बताते हैं कि फेरी ने उसके लिए एक बॉक्स भेजा है और वो खुद चलकर देखे। जब यूनही बाहर आती है और वो बॉक्स देखती है तो समझ जाती है कि कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि मास्टर एनवी उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि हॉकिंग की अटेंडेंट सीयू उस बॉक्स की सील्स तोड़ देती है और यूनही जैसे ही इस बॉक्स को टच करती है तो वो खुद से ओपन हो जाता है और उसमें से एक मरमर निकलता है जो निकलती ही अपनी टेल से बहुत से लोगों को जख्मी कर देता है। यूनही अपनी पावर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है मगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी वहाँ हॉकिंग आता है और मरमर की टेल में एक तीर मारता है और उसे एक ट्री के साथ बांध देता है। तभी फेरी फ्लावर वैली में आती है और सबको हॉल में बुलाती है। फेरी मास्टर चैंगलिंग से कहती है कि वो मरमर को ट्रेन करें मगर वो कहते हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं कि वो उसे ट्रेन कर सके। तो एल्डर्स कहते हैं कि यंग मास्टर ने उसे कंट्रोल किया था इसलिए वो उसे टेम कर सकता है। तो हॉकिंग बहुत खुश होता है मगर फेरी कहती है कि मरमर को ट्रेन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं और फिर वो उसे अपनी कंडीशंस बताती हैं, जिनमें से पहली ये थी कि मरमर को बोलना सिखाना है, सेकंड कि मरमर अपनी टेल खुद काटे और समंदर में कभी वापस ना जाए, और थर्ड कि मरमर अपने पर्ल खुद ऑफर करे और फिर कभी वापस ना ले। हॉकिंग जैसे जैसे शर्तें सुनता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है मगर फिर वो फेरी से कहता है कि अगर मैं मरमर को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन कर लूं तो जो मैं चाहूंगा आप मुझे वो गिफ्ट करेंगी, तो फेरी मान जाती है। तभी वहाँ यूनही आती है और वो भी फेरी से कहती है कि वो भी मरमर को ट्रेन करने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती है। मास्टर चैंगलिंग नहीं मानते मगर यूनही फेरी को अपनी मीठी मीठी बातों से मना लेती है तो फेरी मान जाती है और यूनही कहती है कि अगर वो मरमर को ट्रेन कर ले तो वो उसे मुंह मांगा रिवार्ड देंगी। फेरी कहती है कि अगर तुम उसे ट्रेन करो तो जो तुम कहोगी वो तुम्हें मिलेगा मगर अगर तुम उसे ट्रेन ना कर सकी तो तुम्हें पनिश होगी। यूनही जब बाहर आती है तो लूजिन उसे कहती है कि तुमने अभी तक काउंटलेस स्पिरिट्स को ट्रेन किया है मगर तुमने अभी देखा कि तुम उस मरमर को कंट्रोल नहीं कर सकी इसलिए तुम इस टास्क में पार्टिसिपेट ना करो। मगर यूनही क्योंकि मास्टर चैंगलिंग के टॉर्चर से बहुत तंग थी और वो चाहती थी कि वो किसी न किसी तरह फ्लावर वैली से निकल जाए इसलिए वो ये रिस्क लेना चाहती है, तो वो लूजिन से कहती है कि अगर यंग मास्टर मरमर को ट्रेन कर ले तो जो वो चाहेगा वो फेरी से मांग लेगा और वो ये सोचकर भी डर जाती है कि अगर यंग मास्टर फ्लावर वैली का इंचार्ज बन गया तो उसके साथ क्या होगा, तो वो लूजिन से कहती है कि मुझे ये रिस्क लेना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हॉकिंग रिफ्लेक्टिव केव में आता है जहां मरमर को रखा गया होता है, तो वो मरमर से कहता है कि फेरी ने फ्लावर वैली के अराउंड बैरियर लगा रखे हैं और तुम्हारे क्लैन वाले तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते और इसे कहता है कि तुम खुद को सरेंडर करो और इस तरह तुम अपनी जान बचा सकते हो। मगर मरमर उसकी बात नहीं मानता तो यंग मास्टर की अटेंडेंट सीयू थंडर क्रिएट करती है और मरमर को टॉर्चर करती है और बहुत टॉर्चर करने पर भी मरमर उनकी बात नहीं मानता तो यंग मास्टर सीयू से कहता है कि ये बहुत स्टबन है और फिलहाल के लिए इसे छोड़ देते हैं। फिर वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुमने उस बॉक्स की सील्स क्यों तोड़ी, जिस पर सीयू बहुत शॉक्ड होती है कि उसे कैसे पता चला, तो वो यंग मास्टर से कहती है कि मैंने ये सब आपके लिए किया। मगर हॉकिंग उससे वो नाइफ ले लेता है जो उसने अपनी अटेंडेंट को गिफ्ट की थी और उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम यूनही को नुकसान ना पहुंचाना, जिस पर सीयू बहुत हैरान होती है कि वो उसकी कॉम्पिटिटर है फिर वो उसे प्रोटेक्ट क्यों करता है। हॉकिंग जब वहां से चला जाता है तो यूनही वहां आती है मगर गार्ड्स उसे सजेस्ट करते हैं कि वो अंदर ना जाए क्योंकि मरमर बहुत फ्यूरियस हो रहा है, मगर यूनही अंदर चली जाती है और जब अंदर आके देखती है तो मरमर अनकॉन्शियस होता है। फिर वो मरमर की टेल देखती है जो तीर लगने से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और जब वो उसके पास जाती है तो मरमर जाग जाता है और बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। मगर यूनही उसे कहती है कि मैं तुम्हें तकलीफ देने नहीं आई और उसे कहती है कि अगर तुम सी में वापस जाना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें अपने जख्मों को ठीक करना होगा और अगर बीमार पड़ गए तो मर जाओगे और तुम अपने क्लैन में कभी वापस नहीं जा सकोगे। फिर वो एक मेडिसिन लेती है और उसके जख्मों पर लगाती है। फिर यूनही कोशिश करती है कि मरमर की टेल से एरो निकाले मगर जैसे ही वो एरो निकालने लगती है तो वो एरो उसकी टेल को और ज्यादा जख्मी करने लगता है। फिर यूनही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स यूज करती है कि वो उस एरो को निकाले और बहुत ज्यादा पावर यूज करने से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है मगर वो उसकी टेल से एरो नहीं निकाल पाती और मरमर से कहती है कि अब तक हॉकिंग को पता चल गया होगा कि किसी ने तुम्हारी टेल से एरो निकालने की कोशिश की है
फिर वो उसे समझाती है कि जब हॉकिंग अंदर आए और तुम्हें टॉर्चर करे तो तुम अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करना और अपनी टेल से एरो निकाल लेना। दूसरी साइड पे हॉकिंग को जब पता चलता है कि मरमैन ने अपनी टेल से एरो निकालने की कोशिश की है तो वो वहाँ आता है और बहुत गुस्से में मरमैन को टॉर्चर करता है, मगर मरमैन यूनी की बातों को याद करता है और अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके यूज करता है और अपनी टेल से एरो निकाल लेता है और वो एरो यंग मास्टर को जख्मी कर देता है और यंग मास्टर को समझ आ जाती है कि ये सब यूनी ने किया है। हॉकिंग वहाँ से चला जाता है तो मरमैन ने क्योंकि अपनी बहुत ज्यादा पावर्स यूज की थी और वह जख्मी था इसलिए वो नीचे गिर जाता है। यूनी उसे एक ड्रेस पहनाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो सोचती है कि मरमैन बहुत दिनों से भूखा है इसलिए उसके खाने का अरेंज करती है और वो अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स बेचकर मरमैन के लिए खाना लाती है, मगर मरमैन उसके सामने खाना नहीं खाता तो वो अपना फेस दूसरी साइड पे टर्न करती है और मरमैन खाना खा लेता है। फिर वो अपनी और लूजिन की फ्रेंडशिप की बातें उसके साथ शेयर करती है और उसे इंसिस्ट करती है कि वो भी कुछ बोले, मगर मरमैन कुछ नहीं बोलता। यून ही खाने के साथ क्योंकि पानी नहीं लाई थी और उसे कहती है कि वो पानी लाती है, मगर मरमैन अपनी पावर से वाटर क्रिएट करता है मगर उसे पकड़ नहीं पाता। तो यूनी उसे कहती है कि जब तुम्हारे जख्म हील हो जाएंगे तो तुम्हारी पावर्स ठीक से काम करने लगेंगी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि हॉकिंग को जब फील होता है कि मरमैन यूनी की बात मानने लगा है तो वो डिसाइड करता है कि उसे मरमैन को यूनी के खिलाफ करना चाहिए और उसे बताता है कि फ्लावर वैली में यूनी की पोजीशन बहुत हाई है और उसे एक टोकन दिखाता है और उससे कहता है कि ये टोकन हाई रैंक के लोगों के पास होता है और उसे बताता है कि फेरी ने उसे तुम्हारे पास भेजा है कि वो तुम्हें टेम करे और वो सिर्फ ऐसा शो करती है कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, मगर वो फेरी के कहने पर ऐसा कर रही है और उसे बताता है कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूनी ने कुछ स्नोपिल्स कलेक्ट की होती हैं क्योंकि मास्टर चैंगलिंग उसे टाइम टू टाइम पर्निश करते रहते हैं, इसलिए यूनी को इन स्नोपिल्स की बहुत जरूरत पड़ती है, मगर वो डिसाइड करती है कि ये स्नोपिल्स उसे जाकर मरमैन को देने चाहिए। तो वो स्नोपिल्स लेकर मरमैन के पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम ये स्नोपिल्स खाओगे तो तुम्हारे जख्म जल्दी हील हो जाएंगे और तुम्हारी शक्तियाँ काम करने लगेंगी, मगर मरमैन उसे शक की नज़र से देखता है। तो यूनी उसे कहती है कि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी और वो वहाँ से चली जाती है। और रिफ्लेक्टिव केव की एंट्रेंस पर यूनी का सामना यंग मास्टर से होता है तो यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो और तुम जानती हो कि तुम सिर्फ कॉम्पिटिशन जीतने के लिए मरमैन के साथ अच्छा बर्ताव कर रही हो, मगर तुम उसके साथ सिंसियर नहीं और सच ये है कि तुम बहुत क्रूअल हो। और उसे याद दिलाता है कि बचपन में कैसे यूनी ने बेरहमी से उसे स्नेक वैली में फेंक दिया था और खुद वहां से चली गई थी। यंग मास्टर जब चला जाता है तो यूनी भी अपने पास्ट को याद करती है और यंग मास्टर के साथ अपना बर्ताव सोचकर बहुत दुखी होती है। यूनी जब चली जाती है तो मरमैन यूनी के सारे बर्ताव को सोचता है और फिर सोचता है कि अब से लेकर उसने मेरा ख्याल रखा है और कुछ बुरा नहीं किया। और जब यूनी उसे स्नोपिल्स पकड़ा रही थी तो मरमैन ने उसके हाथ पर जख्म देखा था और सोचता है कि इन स्नोपिल्स की उसे खुद जरूरत थी, मगर वो मेरे लिए लाई और ये सोचकर उसका दिल नरम पड़ जाता है और फिर एक पिल उठाता है और मुंह में रखता है। जैसे ही वो स्नोपिल खाता है तो उसके जख्म हील हो जाते हैं और उसकी शक्तियाँ वापस से काम करने लगती हैं और वो बहुत खुश होता है कि अब मैं फ्लावर वैली से भाग सकता हूँ। मगर तभी रिफ्लेक्टिव केव गर्म होना शुरू होता है और हीट उसकी बर्दाश्त से बाहर होना शुरू हो जाती है तो मरमैन बहुत अपसेट हो जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि यूनी का अटेंडेंट उसे आकर बताता है कि रिफ्लेक्टिव केव बहुत गर्म हो रहा है और मरमैन की जान को खतरा है। ये सब कुछ हॉकिंग ने प्लान किया हुआ था कि यूनी मरमैन को रिफ्लेक्टिव केव से बाहर निकाले और उसे वहां से निकालने के क्राइम में उसे पनिश हो। यूनी रिफ्लेक्टिव केव में जाती है और मरमैन को वहां से लेकर अपने रूम में ले आती है और उसे पानी पिलाती है और उसे रिलैक्स करती है। तभी यूनी को बुलाने आते हैं तो मरमैन बहुत परेशान होता है, मगर यूनी उसे कहती है कि वो हॉकिंग से बचपन से लड़ती आई है इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। और फिर वो मरमैन से कहती है कि तुमने मेरा ट्रस्ट किया है इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। यूनी जब बाहर आती है तो हॉकिंग उसे कहता है कि तुम एक कैदी को प्रिजन से भगाया है जिस पर तुम्हें पनिश होगी, मगर यूनी कहती है कि मरमैन यहाँ नहीं है। तो हॉकिंग के अटेंडेंट सीओ गार्ड से कहती है कि वो उसके घर की तलाशी ले, मगर यूनी उसे कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर के अंदर नहीं जा सकती। तो हॉकिंग और यूनी दोनों फाइट करने लगते हैं और हॉकी के अटेंडेंट सीओ जो एक स्नेक है वो जल्दी से यूनी पर अटैक करती है और उसे जख्मी कर देती है। हॉकिंग उसे बहुत गुस्से से देखता है तो सीओ और हमला करने से बाज रहती है। तभी मास्टर चैंगलिंग की असिस्टेंट किंगशु वहां आती है और वो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हॉकिंग उसे बताता है कि यूनी मरमैन को अपने रूम में ले आई है। तो यूनी किंगशु को बताती है कि मरमैन बोलने लगा है और वो रिफ्लेक्टिव केव में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था,
इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई ताकि वो रिलैक्स रहे और मैं उसे बोलने में और ज्यादा हेल्प कर सकूँ। तो किंगशू कहती है कि हॉकिंग और यून ही दोनों हॉल में आए, और जब वो हॉल में आते हैं तो मास्टर चैंगलिंग यून ही से कहते हैं कि अगर मरमैन ने बोलना शुरू कर दिया है तो तुम उसे यहाँ अपने साथ क्यों नहीं लाई ताकि हम सब भी उसे बोलता हुआ सुने। मगर यून ही कहती है कि मरमैन यंग मास्टर से खौफजदा है क्योंकि उन्होंने मरमैन को हर्ट किया है। तो मास्टर चैंगलिंग कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मरमैन को किसी ने बोलते नहीं सुना, और उससे कहते हैं कि कल सुबह हम तुम्हारे रूम के बाहर आएंगे और तुम ये प्रूव करना कि मरमैन बोलता है, और अगर ये सच हुआ तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और अगर मरमैन ना बोला तो तुम्हें पनिश होगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यंग मास्टर अपने रूम में आता है तो सीयू से कहता है कि तुमने यूनही को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। मगर सीयू कहती है कि मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि कंपटीशन आप जीतें। फिर हॉकिंग उसके हाथ को देखता है जिस पर एक जख्म था, और उससे कहता है कि तुमने अपने इस पॉइजनस ब्लड को कहाँ यूज किया है। तो वो हॉकिंग को बताती है कि उसने अपना पॉइजनस ब्लड उस हिडन वेपन पर लगाया था जिससे उसने यूनही को जख्मी किया था। तो हॉकिंग उसे एंटीडोट लेकर यूनही के पास जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि यूनही जब अपने रूम में वापस आती है तो जहर उसकी बॉडी में फैल चुका था, तो वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लूजिन बहुत वरीड होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और मरमैन भी उसे देखकर बहुत वरीड होता है और अपना एक स्केल निकालता है और यूनही के जख्म को हील कर देता है। यूनही उसका थैंक्स करती है और मरमैन भी अब उस पर ट्रस्ट करने लगा था, और वो कुछ वर्ड्स बोलकर यूनही को कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर उसे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी इसलिए वो अपनी पूरी बात समझा नहीं पाता। फिर यूनही मरमैन से कहती है कि हमें इस हेल से बाहर निकलना होगा, इसलिए हम दोनों इस फ्लावर वैली से भाग जाते हैं, जिस पर मरमैन बहुत हैरान होता है। और यूनही उससे कहती है कि अगर गार्ड्स हमसे लड़े तो तुम मेरे साथ मिलकर उनका मुकाबला करना। नेक्स्ट डे मास्टर चैंगलिंग यूनही के रूम के बाहर आते हैं और उससे कहते हैं कि मरमैन को बाहर लाओ ताकि हम देखें कि वो बोल सकता है कि नहीं। और यूनही जब उसे लेने अंदर जाती है तभी एक मॉन्स्टर उनके रूम में आता है और उन पर अटैक करता है। यूनही और मरमैन दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते जब वो बाहर आते हैं तो मरमैन बहुत से लोगों को वहां देखकर परेशान हो जाता है। तभी वहां एक लेडी लैंड करती है और वो उस मॉन्स्टर को मार देती है। ये लेडी फ्लावर वैली की कम्बैट फोर्स की लीडर सेंयू है। मास्टर चैंगलिंग यूनही से कहते हैं कि मरमैन से कहो कि वो बोले, मगर मरमैन उन सबको देखकर परेशान हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, और उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के बाद मरमैन को रिफ्लेक्टिव केव में वापस भेज दिया जाता है, और मास्टर चैंगलिंग कमांडर सेंयू को चार्ज देते हैं कि वो हॉकिंग और यूनही दोनों पर नजर रखें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो दोनों कॉम्पिटिशन जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हॉकिंग और यूनही रिफ्लेक्टिव केव आते हैं, मगर सेंयू उन दोनों को बिल्ले नहीं देती। तो सेंयू हॉकिंग और यूनही दोनों को 3 डेज के लिए बैन कर देती है कि वो मरमैन को ट्रेन करने के लिए रिफ्लेक्टिव केव नहीं जा सकते। और यूनही जब वापस जा रही होती है तो देखती है कि सेंयू से मिलने को आया है। तो रात के अंधेरे में एक ट्री पर बैठकर खोज लगाने की कोशिश करती है कि वह लड़का कौन है और यहाँ क्यों आया है। और जैसे ही वो लड़का रिफ्लेक्टिव केव से बाहर निकलता है तो यूनही उसका पीछा करती है। तो सेंयू अपने अटेंडेंट लिशु से मिलने विस्टेरिया ट्री के पास आती है, और उन दोनों को साथ देकर यूनही सोच लेती है कि उसे आगे क्या करना है। और नेक्स्ट डे वो सेंयू के पास आती है और उसे ब्लैकमेल करती है, और उसे बताती है कि वो जानती है कि लिशु और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और सेंयू को बताती है हैमली रूल्स के हिसाब से कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर अर्थली इमॉर्टल से प्यार नहीं कर सकता। और सेंयू पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो यूनही सेंयू से कहती है कि वो और मरमैन भी लवर हैं, इसलिए वो उसे मरमैन से मिलने की परमिशन दे। तो सेंयू कहती है कि तुम ये प्रूव करो। तो यूनही मरमैन को किस करती है, जिस पर मरमैन यूनही से बहुत नाराज होता है। फिर यूनही सेंयू को फ्रेंड बनाने के लिए उसे फ्रॉस्ट मार्क के बारे में बताती है। जब सेंयू बिलीव नहीं करती तो वो उसे एक वैली में लाती है और उसे बताती है कि मास्टर चैंगलिंग ने तमाम स्पिरिचुअल मास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए फ्रॉस्ट मार्क की सील कर रखी है, और जो स्पिरिचुअल मास्टर्स उनकी बात नहीं मानते वो उसे इस वैली में लाकर दफन कर देते हैं। और उसे बताती है कि मास्टर चैंगलिंग उसे बचपन से फ्रॉस्ट मार्क से पनिश कर रहे हैं। मगर सेंयू कहती है कि ऐसा नहीं, अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर फ्लावर वैली से जाना चाहे तो अपने फ्रॉस्ट मार्क को अरेस करता है और यहाँ से चला जाता है। तो यूनही उससे कहती है कि तुम अपने फ्रॉस्ट मार्क को अरेस करके दिखाओ, मगर जब उसका फ्रॉस्ट मार्क अरेस नहीं होता तो उसे यूनही पर ट्रस्ट हो जाता है। मगर वो यूनही से कहती है कि मैं इस फ्रॉस्ट मार्क वाली बात पर ट्रस्ट करती हूँ, मगर तुम और चैंग जी दोनों लवर हो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती, और अगर तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ है तो तुम 3 डेज में प्रूव करो। यूनही जब मरमैन से मिलने आती है तो वो उसे बहुत नाराज था, और यूनही उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है।
वो मरमेन से बहुत सी बातें करती है और उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बना कर लाती है और कोशिश करती है कि वो किसी तरह प्रूव कर सके कि वो और मरमेन दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मगर मरमेन का बर्ताव एक लवर जैसा नहीं था। फिर यूनही मरमेन के लिए एक गिफ्ट लाती है और उस गिफ्ट को देख कर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक कॉन्च था और जिससे कान पर लगाने से समंदर की आवाज आती थी और वो क्योंकि होमसिक फील कर रहा था इसलिए इस बात पर बहुत खुश होता है कि वो एटलीस्ट पानी की आवाज सुन पाया और खुशी में वो यूनही को गले से लगाता है। तभी सैयो वहाँ आती है और ये सब देखकर उसे ट्रस्ट हो जाता है कि वो दोनों वाकई लवर हैं। मगर उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। फिर 3 डेज के बाद यूनही और हॉकिंग दोनों को लीगल परमिशन मिल जाती है कि वो दोनों मरमेन को ट्रेन करें और यूनही जब मरमेन से मिलने आती है और बातें करते हुए मरमेन उसे बताता है कि अगर मरमेन की टेल कट जाए तो उनकी स्पिरिचुअल पावर्स कम हो जाती हैं और वो कभी सी में वापस नहीं जा सकते और अगर टेल कटने के बाद वो पानी में जाएं तो पानी उन्हें आराम देने के बजाय जलाता है। तो यूनही ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और बाहर आ जाती है। मगर मरमेन सोचता है कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई कि यूनही इस तरह से चली गई और बाहर आकर यूनही सोचती है कि स्टार्ट में मेरा टास्क सिर्फ मरमेन को ट्रेन करना था मगर अब उसे फील होता है कि अगर मरमेन की टेल कट जाए तो वो अपनी सारी पावर्स खो सकता है और यूनही सोचती है कि ये बहुत पेनफुल है और इस बात पर वो बहुत उदास होती है। फिर यूनही मरमेन से मिलने रिफ्लेक्टिव केव आती है तो मरमेन यूनही को खुश करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स यूज करता है और उनसे बादल बनाता है और बारिश करता है मगर यूनही खुश नहीं होती। फिर यूनही वही केव में सो जाती है और रात को यूनही पर फ्रॉस्ट अटैक होता है और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। चैंग ही यूनही की बॉडी पर स्नो देखता है और ये उसको ठीक से सांस नहीं आ रही तो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स यूज करता है और उसे वार्म करता है। नेक्स्ट सीन में एक गार्ड सीयू को बताता है कि उसने जी यूनही को उन दिनों में जब ट्रेनिंग बैन थी केव में आते जाते देखा है और मरमेन के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। सीयू हयाकिंग को बताती है तो वो केव के बाहर खड़े होकर यूनही के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो उन्हें बाहर आता देखते हैं सीयू हयाकिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि यूनही और मरमेन के बीच में अफेयर है और सैनियो ने यूनही को उन दिनों भी मरमेन से मिलने दिया जिन दिनों ट्रेनिंग बैन थी और अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो आप मेरी जान ले सकते हैं, जिस पर हयाकिंग चुप हो जाता है। सब लोग हॉल में जमा होते हैं। किंगशु कहती है कि तमाम हेवनली मास्टर्स के अटेंडेंट अर्थली इमॉर्टल होते हैं और मुझे स्पिरिचुअल मास्टर और अटेंडेंट के सीक्रेट रिलेशंस के बारे में पता चला है और कहती है कि शायद ये एक रूमर हो। हयाकिंग कहता है कि इतनी जरूरत किसी में नहीं कि इस तरह के रूमर फैला सके। यूनही कहती है कि शायद वो किसी के काम से जेलस हो रहा हो और इस तरह वैली का पीस डिस्ट्रॉय करना चाहता हो मगर किंगशु कहती है कि अगर ये झूठ हुआ तो ये सबके सामने आ जाएगा। फिर वो एक स्पिरिचुअल मिरर निकालती है और कहती है कि ये मिरर ऑफ लव है और ये इस बात का पता लगा लेगा। इस मिरर पर स्पिरिचुअल मास्टर्स और उनके अटेंडेंट का ब्लड लगाएंगे और अगर वो एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते होंगे तो ब्लड खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा और अब देखते हैं कि इस तरह की मिस्टेक करने की जरूरत किसने की है। हयाकिंग कहता है कि इस जनरेशन की टॉपर गार्डियन जी है और सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट किया जाए। यूनही कहती है कि हयाकिंग गेम जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। किंगशु कहती है कि यूनही तुम अपना ब्लड टेस्ट करा कर सबके मुंह बंद कर दो मगर इस वक्त मरमेन क्योंकि रिफ्लेक्टिव केव में है तो उसका टेस्ट बाद में करेंगे, बाकी सब लोगों का टेस्ट अभी करते हैं। उसी टाइम सेयू और लिशु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हयाकिंग को सब कुछ समझ आ जाता है। बाहर आकर यूनही हयाकिंग से कहती है कि तुम लिशु के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने टेस्ट की बजाय दूसरों के अटेंडेंट की फिक्र क्यों हो रही है, क्या तुम्हें लगता है कि लिशु और सेयू दोनों गिल्टी होंगे। यूनही कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, दूसरों को इसमें इन्वॉल्व ना करो। फिर यूनही और सेयू हॉल में जाती हैं और हेल के बाहर गार्ड्स को बेहोश कर देती हैं और अंदर जाकर मिरर ऑफ लव तोड़ देती है। उसी टाइम सेयू यूनही का हाथ पकड़ लेती है जिस पर यूनही बहुत हैरान होती है। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब सेयू लिशु को ढूंढ रही होती है मगर वहाँ सीयू आ जाती है। सीयू कहती है कि तुम यूनही से कहो कि वो मिरर तोड़ दे और ये प्रूफ हो जाएगा कि यूनही और मरमेन में अफेयर है और उसने अपने आप को बचाने के लिए मिरर तोड़ा है और इस तरह तुम लिशु को बचा लोगी। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही मिरर टूटता है वहाँ हयाकिंग और मास्टर किंगशु बहुत सारे गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। यंग मास्टर कहता है कि यूनही ने मिरर इसलिए तोड़ा कि उसका सच सबके सामने ना आए। मास्टर किंगशु पूछती है कि यूनही तुमने जानबूझकर रूल्स को वायलेट क्यों किया। यूनही कहती है कि मास्टर मैंने मिरर नहीं तोड़ा, मिरर यहाँ है। फिर वो उसे कहती है कि अगर सबको लगता है कि मेरा और मरमेन का अफेयर है तो सुबह की बजाय अभी टेस्ट करते हैं।
मास्टर किंगशू गार्स से कहती है कि मर्मन का ब्लड लेकर आओ। गार्स चेंगी के ब्लड का सैंपल लाते हैं जिसे मिरर पर चेक किया जाता है तो युनि और चेंगी के ब्लड के ड्रॉप्स मेल्ट नहीं होते बल्कि सेपरेट रहते हैं। यंग मास्टर मास्टर किंगशू से कहता है कि उनका टेस्ट कल सुबह होगा और उसे जाने की परमिशन दे, मगर युनि कहती है कि टेस्ट अभी होगा। सीयू फौरन अटैक करती है और सीयू के हाथ में मिरर टूट जाता है, मगर युनि कहती है कि उस टूटे हुए मिरर से भी टेस्ट हो सकता है। मगर सीयू टेस्ट से बहुत डरती है और यंग मास्टर को रोकती है, मगर युनि जबरदस्ती उसके हाथ पर कट लगा कर ब्लड का एक ड्रॉप ले लेती है। हेयाकिंग भी अपने ब्लड का ड्रॉप मिरर पर डालता है और सीयू का ब्लड मेल्ट हो जाता है। मास्टर किंगशू सीयू को रिफ्लेक्टिव केव में भेज देती है और उसे बहुत सीवियरली पनिश करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग मास्टर युनि को मैसेज भेजकर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि कमांडर सीयू ने प्रिटेंड किया कि वो मेरा साथ दे रही है, मगर वो असल में तुम्हारे साथ थी। उन्होंने मेरा प्लान तुम्हें बताया और तुमने फिर मिरर बना लिया। युनि पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तो हेयाकिंग कहता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। फिर वो उसे कहता है कि तुमने सबके ब्लड का टेस्ट फेक मिरर से किया और सिर्फ मेरा असियो का टेस्ट रियल मिरर से किया। युनि कहती है कि हाँ। फिर यंग मास्टर उससे पूछता है कि अगर तुम मर्मन को पसंद नहीं करती तो फिर तुमने फेक मिरर क्यों यूज किया। उसी टाइम कमांडर सीयू वहां आती है और बताती है कि सीयू भाग गई है। वो अभी ये बात कर रहे होते हैं कि सीयू वहां आती है और युनि पर अटैक करती है, जिसे यंग मास्टर रोक लेता है और युनि को बचा लेता है। सीयू पूछती है कि आपने युनि को क्यों बचाया, तो हेयाकिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल ना दिया करो। फिर उसे मारकर उसकी स्पिरिट को अपने वश में कर लेता है। बाहर आकर सीयू युनि से कहती है कि हेयाकिंग के माइंड में क्या है ये जानना बहुत मुश्किल है। उसने अपनी इतनी सालों पुरानी अटेंडेंट को तुम्हारी खातिर मार दिया, जो बहुत स्ट्रेंज है। फिर सीयू जाने से पहले वो टूटा हुआ लव ऑफ मिरर उसे दे जाती है। सीयू के जाने के बाद युनि सोचती है कि हेयाकिंग ने ठीक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं मर्मन को पसंद नहीं करती तो मैंने फेक मिरर यूज क्यों किया। फिर वो खुद से क्वेश्चन करती है कि क्या वो वाकई चेंगी को पसंद करती है, तो फिर वो सोचती है कि इसका आंसर सिर्फ ये मिरर दे सकता है। और फिर देखते हैं कि युनि हेयाकिंग की बातों के बारे सोच रही होती है जब लूजिन आती है और युनि से कहती है कि चेंगी उसे बुला रहा है। युनि कहती है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। लूजिन कहती है कि वो तुम्हें को गिफ्ट देना चाहता है। युनि चेंगी से मिलने आती है तो वहाँ का सीन देखकर बहुत हैरान रह जाती है। चेंगी उसे चीयर अप करने के लिए स्नो क्रिएट करता है। युनि देखकर बहुत खुश होती है। युनि उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है तुम्हें उसके लिए रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंगी उसे कहता है कि मैं ये रीपे करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं शोर पर तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर युनि चेंगी से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे ट्रस्ट के काबिल ना हुई तो तुम क्या करोगे। चेंगी कहता है कि वो सिर्फ दिल की सुनता है और मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे लिए खास हो। बाहर आकर वो लूजिन से कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि चेंगी को इंसिस्ट नहीं करूंगी कि वो अपनी टेल कटवाए, बल्कि उसे भगा कर ले जाऊंगी। फिर वो दोनों लिशु के पास जाते हैं ताकि वो उसकी हेल्प ले सके। लिशु युनि को बताता है कि उसे पहले से पता है कि उसका और चेंगी का अफेयर रियल नहीं बल्कि फेक है और ये कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तो युनि उसे कहती है कि सीयू को ये ना बताना, मगर सीयू पहले ही सब कुछ सुन लेती है और वो युनि पर बहुत गुस्सा होती है और उसे वार्न करती है कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे साथ धोखा किया तो तुम्हारी जान ले सकती हूँ। फिर वो सब फ्लावर वैली से भागने की प्लानिंग करते हैं। युनि उन्हें एक मैप दिखाती है जो उसने सालों में रेडी किया होता है। वो सबसे कहती है कि हमें वैली की सारी जगहों के बारे और डिफेंस सिस्टम के बारे पता होगा तो भागना आसान होगा। लिशु पूछता है कि वैली में सब इमोर्टल्स रहते हैं, फिर इसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा क्यों है। तो युनि बताती है कि ये एक्चुअली 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन है। युनि बताती है कि 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन एक्चुअली ब्लू फेदर बर्ड की सिक्योरिटी के कारण है कि वो यहाँ से भाग ना सके और ना कोई उसे बचाने आ सके। फिर वो बताती है कि उस टाइम फ्लावर वैली का इंचार्ज मास्टर निंग था। मास्टर निंग ने अपनी लाइफ सेक्रीफाई करके उस बर्ड को सील कर दिया। युनि कहती है कि हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये जानना है कि यहाँ के डिफेंस सिस्टम के वीक पॉइंट्स क्या हैं, ताकि हम चेंगी को भगा सके। सीयू युनि से कहती है कि चेंगी को भगाने से पहले हमें मासा चेंगलेंग के रूम से एंटीडोट लेनी होगी ताकि चेंगी को मुश्किल ना हो। युनि कहती है कि हम कल गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे
और रूम में जाकर एंटीडोट ले आएंगे। फिर लिशु सेंयू को सूप में नींद की दवाई मिला कर देता है ताकि वो जाकर उस 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन की मिस्ट्री फाइंड कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिशु वैली में एक पॉन्ड की तरफ जाता है और वहां जाकर जियुन ही का नाम बुलाकर कहता है कि वैली का डिफेंस 10 की पॉइंट्स पर बेस करता है और मुझे इनमें से 9 का पहले से पता था और तुम्हारे मैप के कारण मुझे उस 10th की का भी पता चल गया और वो उस 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन की मिस्ट्री सॉल्व कर लेता। दूसरी तरफ यूनही रिफ्लेक्टिव केव में जाती है और मरमन से कहती है कि तुम्हारे यहाँ से भागने का प्लान हम लोगों ने बना लिया है और हम चारों यानी तुम मैम लिशु और सेंयू इकट्ठे भागेंगे। फिर चैंग ये यूनही का हाथ पकड़ के पूछता है क्या हम दोनों लवर रहेंगे, तो यूनही के पास कोई आंसर नहीं होता इसलिए वो चुप रहती है। उसी टाइम हयाकिंग आता है और यूनही से कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लिशु और सेंयू की मोहब्बत का ट्रायल दिखाता हूँ, मुझे प्रूफ मिल गया है और अब उन्हें सजा होने जा रही है। यूनही हॉल में आती है और यंग मास्टर सेंयू से कहता है कि तुमने फॉरबिडन लव करने की मिस्टेक की है इसलिए तुम्हें पनिश मिलेगी। फिर वो कहता है कि तुम अपने अटेंडेंट लिशु को मार दो, मगर सेंयू कहती है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मारा जाएगा। उसी टाइम सेंयू खुद को आजाद करके हयाकिंग पर अटैक करती है, उधर लिशु भी खुद को आजाद करा लेता है। उसी टाइम लिशु अपने स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करता है और सारे गार्ड्स को रोक लेता है। सब हैरान रह जाते हैं कि उसमें ये पावर्स कहाँ से आई। वो सोचते हैं क्या ये वही कैट की स्पिरिट है या कोई और है। फिर वो सेंयू को वहाँ से भगा ले जाता है। हयाकिंग और गार्ड भी उसका पीछा करते हुए बाहर आते हैं तो लिशु सेंयू को यूनही के पास भेज देता है और फायर क्रिएट करता है। सेंयू लिशु का ये रूप देखकर बहुत शॉक्ड होती है। फिर लिशु ब्लू फैदर बर्ड को बुलाता है और ब्लू बर्ड फैदर आजाद होकर वहां आ जाती है, मगर लिशु इतनी पावर्स यूज करने के कारण वीक हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो फेंट होने लगता है। लिशु उस बर्ड को देखकर उसका नाम मास्टर किंग बुलाता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो वो औरत कहती है कि मास्टर निंग को बुलाओ। तो मास्टर चैंगलिंग वहाँ आते हैं। मास्टर चैंगलिंग को देखकर यूनही और लूजिन मौके का फायदा उठाती हैं और एंटीडोट लेने उनके रूम में चली जाती है। फिर मास्टर चैंगलिंग उस बर्ड से कहते हैं कि मास्टर निंग चले गए, तो वो बर्ड मास्टर निंग की मौत का सुनकर रोने लगती है। मास्टर चैंगलिंग उसके कमजोर पड़ने पर उसे कैद कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूनही मास्टर चैंगलिंग के रूम में एंटीडोट ढूंढने आती है और बहुत ढूंढने पर उसे एंटीडोट मिल जाती है। तभी वहाँ चीसो सिंह आता है और यूनही से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई है, तो यूनही कुछ एंटीडोट्स चीसो सिंह को देती है। तो चीसो सिंह पूछता है कि ये क्या है। यूनही से कहती है कि तुम्हें इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आगे जाकर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज है। और बाकी एंटीडोट्स वो लूजिन को देती है और उससे कहती है कि तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो और मैं चियांगी को लेकर आती हूँ। दूसरी साइड पे देखते हैं कि यंग मास्टर सेंयू से कहता है कि लिशु तुम्हारा अटेंडेंट है और तुम्हारे लिए उसकी जान लेना इजी है, इसलिए तुम उसे मार दो। सेंयू लिशु से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ब्लूबर्ड के लिए काम करते हो। फिर वो उसे उसकी स्पिरिट कोर वापस करती है और उससे कहती है कि तुम अपनी मास्टर के पास जाओ। उधर ब्लूबर्ड को जब ये पता चलता है कि मास्टर निंग की डेथ हो गई तो वो बहुत गुस्से में आती है और फॉर्मेशन तोड़कर उसमें से निकल जाती है। मास्टर चैंगलिंग उसकी सारी फोर्स मिलकर उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसे लड़ नहीं पाते और सब लोग मिलकर फॉर्मेशन दोबारा से बनाने लगते हैं। मास्टर चैंगलिंग क्योंकि अपनी बहुत ज्यादा पावर्स यूज करते हैं तो उनके कानों से खून निकलने लगता है, जिस पर किंगशु बहुत वरीड होती है और वो ब्लूबर्ड पर अटैक करती है, मगर वो अटैक लिशु पर हो जाता है और लिशु बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी डिसॉल्व होना स्टार्ट होती है। फिर वो मास्टर किंग से कहता है कि सेंयू को अपने साथ दे जाए और लिशु डिसॉल्व होकर एक स्टोन बन जाता है। तो मास्टर किंग वो स्टोन और सेंयू को लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूनही जब केव की तरफ आती है तो केव टूट रहा होता है और इसे पता था कि मास्टर चैंगलिंग फॉर्मेशन दोबारा से बना रहे हैं और अगर फॉर्मेशन फिर से बन गई तो वो यहां से निकल नहीं पाएगी। तो वो केव में जाती है और चैंगयू से कहती है कि तुम्हें अभी तक भाग जाना चाहिए था, मगर चैंगयू से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर यूनही और चैंगयू दोनों बचते हैं कि उस फॉर्मेशन में ना जाएं, मगर फॉर्मेशन यूनही को अपनी तरफ खींचती है और चैंगयू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर फिर वो दोनों उस फॉर्मेशन में चले जाते हैं और जाकर एक जंगल में गिरते हैं, जिससे चैंगयू बहुत जख्मी हो जाता है। यूनही उसका जख्म हील करने के लिए अपनी पावर्स यूज करती है, मगर यहाँ उसकी पावर्स काम नहीं करती। तो वो चैंगयू से कहती है कि तुम यहाँ वेट करो, मैं पानी ढूंढती हूँ ताकि तुम्हारा जख्म साफ कर सकूं।
तो चैंग जी कहता है कि यहाँ हर तरफ अंधेरा और फोग है और तुम खो जाओगे। तो यून ही एक लाल धागा लेती है जिसका एक सिरा वो अपनी फिंगर के साथ बांधती है और दूसरा चैंग जी की फिंगर के साथ, और उसे कहती है कि अर्थ के कस्टम के हिसाब से ये लाल धागा जिनके हाथ पर बांधा जाता है वो हजारों सालों तक भी अलग नहीं हो सकते, और उसे कहती है कि अगर मैं खो गई तो इस थ्रेड की हेल्प से मैं तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगी। फिर वो जंगल में जाती है तो बहुत दूर जाकर उसे एक कॉटेज और पूल नजर आते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि एल्डर्स मास्टर चैंगलिंग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम सब मिलकर ब्लूबर्ड से लड़े और हम उसे पकड़ नहीं सके और ये बात हमें फेरी को बतानी चाहिए। मगर मास्टर चैंगलिंग कहते हैं कि मरमन बोलने लगा है और किस दिनों में हम मरमन को ट्रेन कर लेंगे, और जब हम मरमन को टेम करके फेरी को देंगे तो फेरी खुश हो जाएगी और ब्लूबर्ड वाली बात भूल जाएगी। तो एल्डर्स एक दूसरे के मुँह की तरफ देखते हैं मगर मास्टर चैंगलिंग को कोई कुछ नहीं बताता। एल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ एक गार्ड आता है और मास्टर चैंगलिंग को बताता है कि यूनही और चैंग जी दोनों भाग गए हैं। तो मास्टर बहुत परेशान हो जाता है और किंगशू से कहता है कि लोगों को भेजो कि उन्हें ढूंढे, मगर वो किंगशू पर शो नहीं करते कि उनकी तबीयत खराब है और वो खुद को बहुत बेबस फील करते हैं। फिर वो खुद से कहते हैं कि लास्ट स्टेप पर यूनही को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूनही चैंग जी को लेकर कॉटेज में आती है और चैंग जी जब वो स्कूल में नहाता है तो उसके जख्म हील हो जाते हैं। तो यूनही कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ ब्लूबर्ड रहती थी, और फिर वो सोचती है कि उसे मरमन को अपने और उसके रिलेशन के बारे सब कुछ बताना चाहिए, मगर फिर सोचती है कि अगर मैंने उसे सच बता दिया तो फिर कभी वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंगशू मास्टर चैंगलिंग को विस्टेरिया ट्री के पास लाती है और उन्हें बताती है कि सेंयू और लिशु की लव स्टोरी यहाँ स्टार्ट हुई। तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें इस ट्री को कटवा देना चाहिए था। तो किंगशू कहती है कि ये मेरी मिस्टेक है और मैं इस ट्री को अभी कटवा देती हूँ। फिर मास्टर कहते हैं कि तुम इस ट्री को रहने दो, और इस ट्री को देखकर दूसरे लोगों को लेसन मिलेगा कि हैमल इमॉर्टल का अर्थ इमॉर्टल से लव का रिजल्ट क्या होता है। किंगशू मास्टर चैंगलिंग से कहती है कि यूनही और चैंगयू दोनों साथ भागे हैं और मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में भी अफेयर है। तो मास्टर चैंगलिंग कहते हैं कि अगर उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है तो ये परेशानी की बात नहीं, बल्कि इससे हमें बेनिफिट होगा क्योंकि इस तरह उनका वीक पॉइंट हमारे हाथ में होगा। फिर देखते हैं कि चैंग जी उस पूल में से कुछ फिशेस पकड़ता है और यूनही को बाहर बुलाता है कि वो आकर देखे, मगर थोड़ी देर तक वो फिशेस वहां से गायब हो जाती हैं। तो यूनही कहती है कि यहाँ कुछ स्पिरिट्स हैं जिसके कारण ऐसा हुआ। फिर वो पानी पर हाथ फेरती है तो ब्लूबर्ड वहाँ अपीयर हो जाती है, मगर वो पानी से बाहर नहीं आ पाती इसलिए वो यूनही को नुकसान नहीं पहुँचा पाती। यूनही चैंग जी से कहती है यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ काम नहीं कर रही, तो हमें कोई और मेथड यूज करना होगा। और चैंग जी से कहती है कि तुम अपनी बातों से ब्लूबर्ड को सेड्यूस करो, मगर चैंग जी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यूनही कुछ सोचती है और फिर एक स्कॉलर का गेटअप करके वहाँ आती है और ब्लूबर्ड से कहती है कि मैं एक राइटर हूँ और तुम मुझे बहुत दुखी लग रही हो, और मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई निंग से मोहब्बत करती थी और क्या ये सच है कि उसी ने तुम्हें यहाँ सील किया। तो ब्लूबर्ड बताती है कि मुझे याद है कि जब लिशु पैदा हुआ था तो उसका फादर बॉब कैट पागल हो गया था और उसने बहुत से लोगों को जख्मी कर दिया था। फिर कुछ स्पिरिचुअल मास्टर उसे पकड़ने आए और उनके साथ मास्टर निंग भी था, और यूनही को बताती है कि मैंने छोटे लिशु की जान बचाई और मास्टर निंग मेरी काइंडनेस देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया और वहीं से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। ब्लूबर्ड किंग यूनही को अपनी और मास्टर निंग की स्टोरी बताते हुए कहती है कि वो और मास्टर निंग दोनों साथ रहने लगे। वो दोनों बहुत खुश थे कि एक दिन कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स ने उन्हें ढूंढ लिया। बर्ड किंग और मास्टर निंग दोनों मिलकर स्पिरिचुअल मास्टर्स से लड़े, मगर जब निंग ने देखा कि बर्ड किंग उनसे ज्यादा पावरफुल है और वो उन्हें मार देगी, तो मास्टर निंग किंग को लेकर वहां से दूसरी जगह चले गए। वो यूनही को बताती है कि कुछ दिन बाद मास्टर निंग ने कहा कि वो फ्लावर वैली जाना चाहते हैं ताकि वहां जाकर वो अपनी वर्शिप कर सकें। मास्टर निंग और ब्लूबर्ड किंग दोनों फ्लावर वैली आए और मास्टर निंग हॉल में चले गए ताकि वहां अपनी वर्शिप कर सके और किंग को बाहर वेट करने के लिए कहा। थोड़ी देर तक मास्टर निंग वापिस आ गए और आकर कहने लगे कि यह फ्लावर वैली में फेरी मुझे और तुम्हें साथ नहीं रहने देगी और बाहर भी हम जहां रहे वो हमें ढूंढ लेंगे और मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर मास्टर निंग ने 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन क्रिएट की और कहने लगे कि किंग इसमें चले जाओ, कुछ दिन के बाद मैं यहाँ से भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बर्ड किंग की स्पिरिट बहुत रोती है कि निंग इतने सालों में क्यों नहीं आया,
तूफान की आवाज सुनकर चेंगी बाहर आता है और युनही को लेकर अंदर चला जाता है और डोर बंद कर लेता है। युनही चेंगी से कहती है कि मास्टर निंग ने किंग को धोखा दिया है, इसलिए वो इतनी अपसेट है। फिर युनही चेंगी से पूछती है कि अगर तुम किंग होते और मैं मास्टर निंग, तो क्या तुम दोबारा मुझ पर ट्रस्ट करते? तो चेंगी कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। फिर वो चेंगी से कहती है कि मुझे बाहर जाना होगा ताकि मैं किंग को मास्टर निंग की हकीकत बता सकूं और हमें जाने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। युनही जब बाहर जाती है तो किंग उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो युनही कहती है कि मैं मास्टर निंग हूँ और तुम मुझे परमिशन दो कि मैं पानी में तुम्हारे पास अंदर आ सकूं। और किंग के परमिशन देने पर युनही पानी के अंदर चली जाती है और उसे गले से लगाती है और उससे सॉरी करती है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। किंग उस पर ट्रस्ट नहीं करती तो युनही अपने हाथ पर बंधा हुआ हेयर बैंड उसे दिखाती है, जिसे देखकर किंग को ट्रस्ट हो जाता है और वो खुश हो जाती है और खुशी से डांस करने लगती है। तभी चेंगी बाहर आता है और उसे खुश देखकर वो एक सॉन्ग गाता है। जब वो सॉन्ग गाना स्टार्ट करता है तो वहाँ मास्टर निंग की स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर किंग बहुत खुश होती है। फिर मास्टर निंग किंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चेंगी पूछता है कि क्या हम दोनों इन दोनों की तरह सेपरेट हो जाएंगे, तो युनही कहती है कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। फिर चेंगी युनही को किस करता है और एक पर्ल उसके गले में उतार देता है। युनही कहती है कि क्या ये पर्ल है? चेंगी कहता है कि ये एक टोकन है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस है। फिर युनही और चेंगी दोनों उस पॉन्ड में छलांग लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनही जब होश में आती है तो आंखें खोलने से पहले कहती है कि चेंगी कि हम लोग फाइनली बच गए। फिर जैसे ही आंखें खोलती है और अपने रूम को देखती है तो कहती है कि ये कौन सी जगह है, तो उसे किंगशू की आवाज़ आती है जो उसे कहती है कि गार्डियन जी क्या तुम जाग गई? युनही उसे पूछती है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। किंगशू उसे बताती है कि तुम फॉर्मेशन से बाहर आ गई हो, तुम और मरमेंट हमें वैली की बैकयार्ड के बाहर पॉन्ड के किनारे पर मिले। युनही ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि मैं दोबारा से वैली कैसे पहुँच गई। किंगशू उसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि पॉन्ड 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन का एक की पॉइंट है? तो युनही बहुत हंसती है कि उसने इस तरह की बेवकूफी कैसे की। फिर वो मरमन के बारे पूछती है तो किंगशू उसे कहती है कि उसे रिफ्लेक्टिव केव भेज दिया गया है और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लड़ा और गार्ड्स ने उसे केव में भेज दिया। किंगशू उसे कहती है कि तुम चेंगी की बजाय अपनी फिक्र करो क्योंकि तुम मरमन को लेकर भागी थी और इसके लिए तुम्हें सबके सामने जवाब देना पड़ेगा। फिर युनही को हॉल में बुलाया जाता है तो कुछ एल्डर्स जो युनही के अगेंस्ट होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर युनही ने हमारी और ब्लूबर्ड के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया और मरमन को लेकर भाग गई, इसलिए उसे सीवियरली पनिश करें ताकि जस्टिस हो। फिर मास्टर चेंगलिंग युनही से पूछते हैं कि युनही तुम एक्सप्लेन करो कि तुमने ऐसा क्यों किया। युनही सोचती है कि अगर उसने ये एडमिट किया कि वो चेंगी को लेकर भागी थी तो मास्टर चेंगलिंग उसकी सारी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन टर्मिनेट कर देंगे और अगर इनकार किया तो सारा दोष मरमन पर आएगा और उसे कैपिटल पनिश मिलेगी। युनही कहती है कि मैं इस पर गिल्टी नहीं हूँ, उस दिन आप लोगों के साथ मिलकर ब्लूबर्ड से नहीं लड़ सकी। जब लिशु ने 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन तोड़ी तो मैंने एक गोल्डन लाइट रिफ्लेक्टिव केव के ऊपर देखी और मैं फौरन उस तरफ भागी गई कि कहीं मरमन उस फॉर्मेशन के साथ ही ना चला जाए। जब मैं अंदर चेक करने गई तो फॉर्मेशन के अंदर चली गई। तो युनही कहती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ और आप मुझे पनिश कर सकते हैं। फिर एल्डर्स कहते हैं कि उसे 20 कोड़े लगने चाहिए। उसी टाइम चीजो सिंह मरमन को लेकर हॉल में आता है और कहता है कि मरमन ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। फिर युनही चेंगी से कहती है कि तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ और मरमन को बोलता देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर किंगशू चेंगी से पूछती है कि तुम बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, तुम दोनों क्यों भागे और युनही को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम हम लोगों से क्यों लड़े। चेंगी कहता है कि 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन टूट गई थी और मैं उसमें गिर गया था, युनही ने मुझे बचाया इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर युनही चेंगी से कहती है कि रिफ्लेक्टिव केव चले जाओ, तो वो उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। मगर मास्टर चेंगलिंग ये देखकर कि मरमन युनही की बहुत सुनता है बहुत वरीड होते हैं और कहते हैं कि मरमन तुम्हारी बहुत सुनता है। फिर वो युनही को अपने पास बुलाते हैं और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा रिवार्ड है और उसे फ्रॉस्ट से पनिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनही बहुत मुश्किल से अपने रूम तक पहुंचती है और लूजिन जो उसका वेट कर रही होती है उसे गले से लगाती है, मगर युनही नीचे गिर जाती है। लूजिन जानती है कि मास्टर चेंगलिंग ने उसे पनिश किया है तो एंटीडोट निकाल कर उसे देती है।
उसी टाइम किंग्यू आती है और कहती है कि मास्टर ने मुझे भेजा है कि तुम्हें बताऊं कि ये एंटीडोट नहीं बल्कि कूलिंग पिल्स हैं, इसलिए एहतियात से खाना। फिर वो किंग्यू से कहती है कि उन्होंने मेरी लाइफ इतनी जल्दी फिनिश क्यों कर दी। किंग्यू कहती है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और तुम चाहे हकीकत कितनी भी छुपाओ, मास्टर जानते हैं कि तुमने क्या किया है, मगर फिर भी उन्होंने तुम्हारी जिंदगी तुम्हें दान कर दी है और तुम्हारी पोजीशन भी मेंटेन की है और तुम्हें मास्टर का थैंकफुल होना चाहिए। किंग्यू यूनही को कैद करके चली जाती है और उसके रूम को सील कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग मास्टर रिफ्लेक्टिव केव में आता है और चीजों सिंह से कहता है कि अब से मरमन को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर यंग मास्टर अपनी स्पिरिचुअल तलवार निकालता है और कहता है कि सेकंड राउंड में मरमन की टेल कटनी है और मरमन पर अटैक करता है, मगर चैंग ही उसकी तलवार को रोके रखता है। बहुत जोर लगाने से हॉकिंग का हाथ जख्मी हो जाता है, मगर उसकी तलवार चैंग ही को टच भी नहीं कर पाती, इसलिए वो उसकी टेल नहीं काट पाता। चैंग ही कहता है कि मैं मर कर भी अपनी टेल नहीं कटने दूंगा। यंग मास्टर कहता है कि लिशु मर गया और सेंयू भाग गई और अब कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा। चैंग ही लिशु की मौत का सुनकर बहुत हैरान होता है, तो हॉकिंग कहता है कि इससे भी बुरी न्यूज ये है कि यूनही की फ्रॉस्ट मार्क सील उसे बहुत तकलीफ दे रही है और अगर उसे टाइम पर एंटीडोट ना मिली तो वो 3 डेज के अंदर मर जाएगी, और अगर तुम नहीं चाहते कि वो फ्रीज हो जाए और मर जाए तो तुम्हें अपनी टेल खुद काटनी होगी, इसी तरह तुम उसे बचा सकते हो। हॉकिंग के जाने के बाद चैंगी चौसर सिंह से पूछता है कि यूनही कर देख कर आओ, तो चौसर सिंह यूनही को देखने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनही फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। यूनही लूजिन से कहती है कि चैंगी का पर्ल मेरे अंदर है जो मुझे बता रहा है कि चैंगी इस टाइम बहुत तकलीफ में है। वो कहती है कि हॉकिंग उसे बहुत टॉर्चर कर रहा होगा। फिर वो उठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स यूज करती है और डोर ओपन करने की कोशिश करती है, मगर बैरियर स्ट्रॉन्ग होने के कारण टूटता नहीं और डोर ओपन नहीं होता। बाहर चौसर सिंह यूनही से मिलने आता है और यूनही से पूछता है कि तुम यहाँ कैद क्यों हो। यूनही कहती है, मैं मास्टर चैंगलैंग के बेटे की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ एक टूर हूँ। चौसर सिंह सोचता है कि फिर फ्रॉस्ट मार्क वाली बात रियल है। फिर यूनही से पूछता है क्या तुम पर भी ये फ्रॉस्ट मार्क सील हुआ है और क्या इसका रिलेशन उस एंटीडोट से है जो तुम चोरी करने गई थी। यूनही कहती है कि चैंगी से कहना कि मैं ठीक हूँ और वो किसी की बातों में ना आए, और जब तक वो अपनी टेल नहीं कटवाएगा मैं नहीं मरूंगी, और अगर वो अपनी टेल कटवा देगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। फिर यूनही लूजिन से कहती है कि वो लोग मुझे नहीं मारेंगे, ये सिर्फ मुझे पेन देने के लिए कर रहे हैं और ये कि ये पेन मेरे लिए मीनिंगलेस है, मगर अगर चैंगी की टेल कट गई तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक गार्ड हॉकिंग को बताता है कि चीज़ों सिंह यूनही से मिलकर चला गया है। हॉकिंग पूछता है कि यूनही कैसी है। गार्ड कहता है कि वो बहुत वीक हो गई है और उसका ब्लड किसी टाइम भी फ्रीज हो सकता है और वो मर सकती है। हॉकिंग को बहुत फिक्र होती है, तो वो अपने सर्वेंट से कहता है कि यूनही को जो चीजें चाहिए वो सब रेडी रखो। सर्वेंट पूछता है कि मरमन का क्या करना है, तो हॉकिंग कहता है कि उसे और वरीड होने दो। फिर चीसो सिंह चैंगी के पास आता है और उसे कहता है कि यूनही पर भी फ्रॉस्ट मार्क की सील है, मगर उसने कहा है कि वो किसी पर विश्वास ना करे और अगर तुमने गिव अप कर दिया तो मुझे पनिश जरूर मिलेगी। जब तक तुम्हारी टेल है ये मेरी लाइफ की गारंटी है कि वो मुझे नहीं मारेंगे। चैंग ही कहता है कि मैं खुद जाकर यूनही को देखना चाहता हूँ, तो उसी टाइम हॉकिंग आ जाता है। यंग मास्टर चैंग ही से कहता है कि तुम बहुत पत्थर दिल हो, तुम्हारे कारण यूनही इतना सफर कर रही है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी टेल कट गई तो तुम समंदर में नहीं जा पाओगे, मगर इससे भी बुरा ये है कि अगर यूनही मर गई तो फिर तुम क्या करोगे। फिर हॉकिंग यूनही को देखने आता है और उसकी कंडीशन देख कर बहुत वरीड होता है और वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चैंगी को देखते हैं जो केव में सोया होता है और ख्वाब देखता है कि वो समंदर के बीच पानी पर खड़ा है। उसी टाइम उसका फादर वहां आता है और कहता है कि तुमने अपने कबीले और समंदर के साथ बेवफाई की है, मगर चैंगी अपने फादर से कहता है कि आपने मुझे कहा था कि अपनी सारी लाइफ अपनी मोहब्बत को प्रोटेक्ट करना और उसके साथ लॉयल रहना। उसके फादर कहते हैं कुछ खोए बगैर कुछ नहीं मिलता और तुमने अपना पर्ल उसे दे दिया तो तुम समंदर में वापस नहीं आ सकते। फिर चैंगी देखता है कि वह समंदर में गिर जाता है और पानी आग की तरह जलने लगता है, और दूसरी तरफ यूनही को देखता है जो अपना हाथ बढ़ाए हुए उसकी तरफ आ रही होती है। तभी वो जाग जाता है और परेशान हो जाता है। उसी टाइम हॉकिंग वहां आता है और चैंगी से पूछता है कि तुमने क्या सोचा। फिर चैंगी को चुप देख कर कहता है कि यूनही की बातों का ट्रस्ट ना करो,
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो किस हाल में है। फिर उसे साथ लेकर यूनही के पास जाता है और सील हटाता है। चेंगी यूनही को देखकर शॉक्ड रह जाता है। चेंगी हॉकिंग से कहता है कि उसे बचाओ, मगर हॉकिंग कहता है कि तुम उसे बचा सकते हो, तुम अपनी टेल काट दो तो ये एंटीडोट मैं यूनही को दे दूंगा। यूनही को यूं बेजान देखकर हॉकिंग चाहता है कि मर्मन जल्दी से अपनी टेल काट दे ताकि वो यूनही को एंटीडोट दे। फिर मर्मन अपनी टेल काट देता है और उसकी टेल एक पर्ल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो नीचे गिर जाता है और वो पर्ल हॉकिंग को दे देता है जिसे वो एक बॉक्स में रख लेता है। चेंगी हॉकिंग से कहता है कि मुझे एंटीडोट दो और एंटीडोट लेकर यूनही के रूम में आता है। फिर वो यूनही के मुंह में एंटीडोट डालता है और जो ही वो एंटीडोट खाती है तो वो रिकवर करना शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही यूनही आंखें खोलती है तो चेंगी को देखकर कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। फिर वो उसके पाँव की तरफ देखती है तो समझ जाती है कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी टेल काट दी है। इस पर वो बहुत गुस्सा होती है। फिर यूनही बाहर आती है और हॉकिंग के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हॉकिंग कहता है कि अब मैं वो यंग मास्टर बन गया हूँ जैसा सब चाहते थे, मैंने सब कुछ जीतने के लिए किया है, इसलिए अब तुम और मैं एक जैसे हैं। फिर हॉकिंग मर्मन की टेल का पर लेकर मास्टर चेंगलिंग के पास आता है और उन्हें पूछता है कि अब आप सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो मास्टर कहते हैं तुमने अच्छा काम किया है, मगर तुम ये बताओ कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। हॉकिंग कहता है कि मैं आपसे नफरत करने की जुरत नहीं कर सकता। तो मास्टर कहते हैं कि तुम मुझसे नफरत करने का राइट रखते हो, तुम चाहो तो मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो। हॉकिंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि आपका बेटा होना मेरी किस्मत है या बदकिस्मती, और ये कहकर वो वापस चला जाता है। फिर मास्टर चेंगलिंग किंगशू से कहते हैं कि बाहर चले। फिर किंगशू मास्टर चेंगलिंग को बाहर ले आती है और कहती है कि मैं आपको यहाँ इस जगह इसलिए लेके आई कि ये आपकी और यंग मास्टर की फेवरेट प्लेस हुआ करती थी। फिर मास्टर चेंगलिंग हॉकिंग का बचपन याद करते हैं और कहते हैं कि हॉकिंग जब छोटा था तो वो मेरे बहुत क्लोज था, मगर उस एक इंसिडेंट के बाद वो मुझसे बहुत दूर हो गया है। किंगशू पूछती है कि मास्टर क्या आपको इस बात का दुख है कि हॉकिंग की ट्रेनिंग के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ा। मास्टर कहते हैं कि अगर फादर और सन का रिलेशन इस तरह हो जैसा हमारा है तो ये बहुत दुख की बात है, मगर फिर वो कहते हैं कि हॉकिंग लिन फैमिली से बिलोंग करता है और जरूरी है कि वो अपनी प्यारी चीजों को सैक्रिफाई करना सीखे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मर्मन टेल कटने के बाद बीमार हो जाता है। यूनही उसकी बहुत देखरेख करती है, मगर इसके साथ साथ वो बहुत दुखी होती है और लूजिन से कहती है कि जो कुछ चेंगी ने उसके लिए किया है उसे भी रीपे करने के लिए उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो चाहती है कि उसके लिए कुछ ऐसा करे कि वह समंदर में वापस जा सके। उसी टाइम चेंगी को होश आता है और वो कहता है कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें किस तरह मुझे रीपे करना है। यूनही उसे होश में देखकर बहुत खुश होती है। चेंगी यूनही से कहता है कि मेरा घर वही है जहाँ तुम हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यूनही कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और चेंगी को बताती है कि हॉकिंग बचपन में ऐसा नहीं था। यूनही चेंगी को बताती है कि वो बिल्कुल अकेली थी और बैठी रोती रहती थी। फिर हॉकिंग उसे ढूंढता हुआ विस्टेरिया ट्री के पास आया और अपना पेट उसे दिया तो वो दोनों मिलकर खेलने लगे। मास्टर चेंगलिंग उन्हें खेलता देख रहे थे और वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे। फिर एक दिन मास्टर चेंगलिंग ने यूनही और उस पेट दोनों को बांधा और स्नेक वैली में माउंटेन के ऊपर लटका दिया और हॉकिंग से कहने लगे कि इन दोनों में से किसी एक को बचा लो, मगर हॉकिंग को दोनों से प्यार था तो वो मास्टर से भीख मांगने लगे कि दोनों को छोड़ दें। हॉकिंग ने दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट ना किया तो मास्टर के कहने पर किंगशू दोनों को नीचे फेंक देती है। यूनही बताती है कि इस वाक्य के बाद हॉकिंग बहुत दुखी था और बहुत बीमार पड़ गया और चेंगलिंग का प्लान पूरी तरह से काम ना कर पाया तो वो कहता है कि इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। फिर मास्टर चेंगलिंग यूनही को बुलाकर कहते हैं कि हॉकिंग को स्नेक वैली में धक्का दे दे। यूनही मना करती है तो मास्टर उसे फ्रॉस्ट से पनिश करते हैं। यूनही चेंगजी को बताती है कि तब फर्स्ट टाइम इस फ्रॉस्ट मार्क ने उसे बहुत तकलीफ दी और दो दिन तक वो इस तकलीफ को बर्दाश्त करती रही और जब वो मरने वाली थी तो मास्टर चेंगलिंग उसके पास आए और उसे एंटीडोट दी और कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो और बहुत से लोग हैं जो हॉकिंग के साथ ऐसा कर सकते हैं। फिर यूनही ठीक होने के बाद हॉकिंग को लेकर स्नेक वैली जाती है, मगर यूनही उसे धक्का देने से डर रही थी। फिर एकदम से यूनही का हाथ खुद ब खुद उठ जाता है और वो हॉकिंग को धक्का देती है और यूनही अपना हाथ देखती है जिसमें एक पावर थी जिसने हॉकिंग को धक्का दिया था, मगर फिर दूर खड़ी किंगशू को देखती है तो उसे समझ आ जाती है कि ये पावर किंगशू के हाथ।
फिर हॉकिंग स्नेक वैली में गिर जाता है। यून ही बताती है कि स्नेक वैली से आने के बाद ब्रदर हॉकिंग वैसा नहीं रहा, वो बिल्कुल बदल गया था। उस वक्त मेरे भाई को मेरी वजह से सफर करना पड़ा और अब तुमने मेरी खातर अपनी टेल कटवा दी। मगर चैंग ये कहता है कि इसके लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। फिर किंगशू माँ से चैंगलिंग के पास आती है तो वो पूछते हैं कि यून ही कैसी है, तो किंगशू बताती है कि 3 डेज वो फ्रीज होकर भी सरवाइव कर गई, मगर उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिर यंग मास्टर ने उसे एंटीडोट दी और अब वो ठीक है। ये सुनकर माँ से चैंगलिंग रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी साइड पर हॉकिंग स्नेक वैली जाता है और इस टाइम को याद करता है जब उसे यहाँ फेंका गया था। वो कहता है कि हुआ हुआ की डेथ के बाद यून ही सिर्फ तुम मेरे पास थी और तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। उसी टाइम कुछ फ्रूट स्नेक वैली में गिरते हैं जो यून ही फेंक रही थी ताकि वो भूखा ना रहे। हॉकिंग यून ही को देखकर प्रिटेंड करता है कि उसने यून ही को नहीं देखा। फिर हॉकिंग जब स्नेक वैली से बचकर जीवित आ जाता है तो देखता है कि यून ही को मास्टर चैंगलिंग ने पनिश किया होता है और उससे कह रहे होते हैं कि तुम हॉकिंग को धक्का ना दे सकी, इसके लिए किंगशू को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी ताकि तुम उसे धक्का दो, और उसे फ्रॉस्ट मार्क से पनिश करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि इस रहम दिल यंग मास्टर को उस स्नेक वैली में मर जाना चाहिए और याद रखना कि जब यंग मास्टर वापस आए तो वे एक सख्त दिल होना चाहिए, तब तुम बच पाओगे, और अगर यंग मास्टर मेरी इच्छा के मुताबिक चेंज ना हुआ तो तुम्हें मार दूंगा। फिर हॉकिंग यून ही को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और रुक जाता है। वो समझ जाता है कि अगर वो यून ही की परवाह करेगा या उसकी हेल्प करेगा तो उसे ज्यादा पनिश किया जाएगा और अपनी पेट की तरह वो यून ही को भी खो सकता है। फिर हॉकिंग को प्रेजेंट में दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि इसी कारण मुझे ऐसा पत्थर दिल होना पड़ा और मैं ऐसा जाहिर करता हूँ कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ ताकि तुम्हें मास्टर चैंगलिंग से बचा सकूँ। इसके साथ ही 9th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।